और मथुरा से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम अजय स्थित इस्कॉन गुरुकुल में श्री कृष्ण बलराम मंदिर व डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छाता तहसील के ग्राम अजय स्थित इस्कॉन भक्ति वेदांत गुरुकुल में पहुंचकर श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करने के पश्चात नवनिर्मित डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का भी अवलोकन किया। गौशाला का अवलोकन करने के पश्चात सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुकुल के प्रांगण में आम का पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भक्तजनों व गुरुकुल के बच्चों को संबोधित करने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर इस्कॉन कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुपट्टा माला पहनाकर व तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक ठाकुर मेघाश्याम सिंह, राजेश चौधरी, पूनम प्रकाश, सांसद हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सादर अभिनंदन किया। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसारक के लिए प्रदेश में जी जान से लगे हुए हैं। उनके इस काम में मैं भी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। भागवतम में और कई संतों से जो सुनी है वो सब मुझे एक्सप्रेस करने का, दिखाने का एक मौका मिलेगा, लेकिन कल ग्रहण होने की वजह से या पता नहीं क्या वो हो नहीं सका। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश की और हो आए। वो हिमाचल में अभी इलेक्शन चल रहा है और बहुत जल्द हमारी सरकार वहाँ पर बनने वाली है, इसके लिए उनका वहाँ रहना इतना ज़रूरी है। उसके बावजूद उन्होंने और उनकी जो टीम है उन लोगों ने प्रयास करके उनको मथुरा तक लेकर आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो नाइस ऑफ टीम। वो आए और बहुत सारे हमारे कई फ्रेंड्स और हमारे अपने विधायक सब लोग आए थे, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो सका है। और क्या रीजन है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्यों सिर्फ वहीं पर बारिश हुई ऐसा कहते हैं। यहाँ पे मेरा नृत्य कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का किसी का आना है, प्लीज डू कम एंड एंजॉय द शो। और ये गुरुकुल के बारे में मैं क्या बताऊं, कुछ 6 महीने पहले मैं आई थी। इस्कॉन के आज के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।